नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं एडी टेकीफाई। दोस्तों, अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, सिंगिंग, पॉडकास्टिंग या फिर ऑडियो प्रोडक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो एक अच्छा सा ऑडियो मिक्सर इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर पैशन। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक अच्छा सा कॉम्पैक्ट साइज़ का ऑडियो मिक्सर जो कि बजट के अंदर आता है। उसका मैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग करूँगा और उसी के साथ साथ मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा रिगार्डिंग दिस मिक्सर कि कैसे आप इस मिक्सर को यूज़ कर सकते हैं। मिक्सर में आपको बहुत सारे नॉब्स देखने को मिलता है, उस सारे नॉब्स का फंक्शन क्या है, ताकि आप एक मिक्सर खरीदने से पहले डिसाइड कर पाए कि कौन सा मिक्सर आपके लिए बेस्ट है और उस मिक्सर को आप कैसे चला सकते हैं। तो इसी वीडियो में मैं वादा करता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ अ साउंड मिक्सर और ऑडियो मिक्सर। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑडियो मिक्सर एक्सट्रीम एक्यूस्टिक इस ब्रांड का है और इस मिक्सर का जो मॉडल नंबर है वो है XA-MX-B4। ये स्टैंडर्ड लाइव 4-चैनल ऑडियो मिक्सर है और बॉक्स पैकिंग तो वैसे काफ़ी अच्छा है और पीछे आप देख सकते हैं कुछ की स्पेसिफिकेशंस दिया गया है रिगार्डिंग दिस मिक्सर जो कि हम देखेंगे। पहले हम इसको ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों, बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर एक क्लेम योर एक्सटेंडेड वारंटी और इसी के साथ साथ इन लोगों का जो ट्विटर हैंडल है उसका लिंक QR कोड के बेस में दिया गया है। सेकंड चीज़, हमें यहाँ पर वारंटी सर्टिफिकेट मिलता है और यहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि एक यूज़र मैनुअल मिलता है जहाँ पर इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा है। लेकिन इस वीडियो में हमें इसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब कुछ देखेंगे कि कैसे हम इस मिक्सर को यूज़ करते हैं A to Z। यहाँ पर एक पावर ब्रिक मिलता है, पावर अडैप्टर, जिसका रेटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर का है, मतलब टोटल 11 वाट मैक्सिमम है। दोस्तों, मैंने स्पेसिफिकेशन चेक किया है, ये बेसिकली 5 वाट आउटपुट लेता है, लेकिन यहाँ पर बॉक्स में आपको 11 वाट का अडैप्टर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। इसको हम साइड में रखते हैं। यहाँ पर आपको एक USB केबल मिलता है फॉर चार्जिंग यानी इसको पावर देने के लिए, और इसके साथ साथ इस केबल को यूज़ करके आप USB इंटरफेस भी क्रिएट कर सकते हैं विथ योर PC और मोबाइल। और फाइनली हमें यहाँ पर एक ऑक्स TRRS to TRRS केबल मिलता है जिससे हम मिक्सर से हम इसको PC या फिर मोबाइल से कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं हमारी जो आउटपुट है उसको। और फाइनली हमें यहाँ पर मिक्सर मिलता है, पैकिंग किया गया है। देखिए दोस्तों, पैकिंग वैसे काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो मटेरियल फोम यूज़ किया गया है इससे ट्रांजिट के टाइम पे मिक्सर डैमेज होने का चांस बहुत कम है, तो पैकिंग से वैसे अच्छा है। चलिए अब देखते हैं इस मिक्सर को। सारे बॉक्स को हम साइड में रखते हैं। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, ये है हमारा मिक्सर जिसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और हेवी भी है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा हल्का होगा, लेकिन ये बिल्कुल हल्का नहीं है। इसका जो प्लास्टिक है वो काफ़ी स्टर्डी है, ड्यूरेबल है। ये देखिए, साइड से देख सकते हैं और पीछे से आपको अच्छे से ग्रिपिंग मिलने के लिए यहाँ पर रबर पैडिंग दिया गया है, फोम पैडिंग है ये। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से 5 वोल्ट DC पावर आप इसको दे सकते हैं। उसी के साथ साथ ये जो बटन है, इस बटन को बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रेस किया गया है, आप जैसे कि देख सकते हैं ये प्रेस्ड कंडीशन में रहेगा, तो अगर आप इसको PC से कनेक्ट करेंगे तो ये USB इंटरफेस भी प्रोवाइड करेगा। मतलब ये जो मिक्सर है, ये मिक्सर के साथ साथ एक ऑडियो इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि कोई भी ऑडियो इंटरफेस का काम है एक PC में इंटरफेस क्रिएट करना, ताकि उस ऑडियो इंटरफेस डिवाइस के थ्रू आप अपने PC में जो माइक्रोफोन्स है या फिर हेडफोन्स है
उसको कनेक्ट कर सकते हैं अगर वो माइक्रोफोन पीसी में डायरेक्टली नहीं कनेक्ट हो पाए। तो यहाँ पर एक ऑडियो इंटरफेस जो है प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। आमतौर पर कोई भी ऑडियो मिक्सर में ऑडियो इंटरफेस नहीं दिया जाता। ऑडियो मिक्सर को कोई भी कंप्यूटर या फिर मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा साउंड कार्ड या फिर ऑडियो इंटरफेस आपको परचेस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो ऑडियो इंटरफेस है वो इनबिल्ट मिलता है। और नीचे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह दिखता है ये। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि ये जो सारे बटन्स आपको देखने को मिल रहा है, जो नॉब्स देखने को मिल रहा है, पोर्ट्स देखने को मिल रहा है, तो इसका फंक्शनैलिटी क्या है, कैसे आप इस मिक्सर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों बॉक्स में लिखा गया है कि ये एक 4-चैनल लाइव ऑडियो मिक्सर है, तो यहाँ पर आपको चारों चैनल देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये हर एक चैनल को एक दूसरे के साथ सेपरेट कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 लिखा है, मतलब ये जो स्ट्रिप है आप देख सकते हैं ये चैनल 1 है। वैसे ही यहाँ पर जो 2 लिखा है, मतलब ये जो स्ट्रिप आप देख सकते हैं ये चैनल 2 का है। और ये 3x4 है, मतलब ये जो स्ट्रिप आप देख सकते हैं ये एक ही साथ चैनल 3 का भी काम करेगा और चैनल 4 का भी काम करेगा। और राइट साइड में आप जो देख सकते हैं, यहाँ से आप मेन आउटपुट ले सकते हैं, मतलब मिक्सर से जो आउटपुट ये निकाल रहा है उस आउटपुट को सुनने के लिए आपको मिक्सर को स्पीकर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब आउटपुट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपने स्पीकर्स को, कोई भी स्टीरियो स्पीकर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं एक USB इंटरफेस यहाँ पर भी दिया गया है। यहाँ पर भी एक USB इंटरफेस है जिसके थ्रू आप PC या फिर मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो USB इंटरफेस दिया गया है, यहाँ पर आप पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी दिया गया है, एक डिस्प्ले मिलता है 7 सेगमेंट का, और साथ ही प्लेबैक है, जो म्यूज़िक प्लेबैक है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ फ्यू बटन्स हैं। और यहाँ पर इफ़ेक्ट्स के लिए डिले एंड रिपीट नॉब दिया गया है। यहाँ पर आप अगर अपने साउंड को मॉनिटर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हेडफोन को लगा के अपने जो आउटपुट है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और हेडफोन की जो वॉल्यूम है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मिक्सर से जो आउटपुट निकल रहा है उसको आप सेपरेटली अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड करना चाहते हैं हाई क्वालिटी में, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक 3.5mm का जैक मिल जाता है। ये जो केबल सप्लाइड है इसके साथ, इस केबल को आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। मैं दिखा देता हूँ, केबल के एक साइड को आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है और दूसरे साइड को आपको कोई स्मार्टफोन या फिर PC में कनेक्ट करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों डिटेल में कवर करते हैं कि ये जो पोर्ट्स, नॉब्स और बटन्स, LEDs दिया गया है, इसका फंक्शनैलिटी क्या है और कैसे आप इस मिक्सर को यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑडियो प्रोडक्शन, सिंगिंग एंड पॉडकास्टिंग पर्पस। सबसे पहले ये जो चैनल 1 है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस चैनल 1 में आपको एक लाइन इनपुट मिलता है जहाँ पर आप माइक्रोफोन को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर सकते हैं। जनरली यहाँ पर हम माइक्रोफोन को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये पोर्ट XLR, TRS एंड TS इन तीनों कनेक्टर को सपोर्ट करता है। तो जो XLR और TS कनेक्टर्स है जो माइक्रोफोन्स के साथ आता है, स्पेशली डायनेमिक माइक्रोफोन और कंडेंसर माइक्रोफोन्स के साथ, तो वो माइक्रोफोन को आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। उसी के नीचे जो बटन देखने को मिलता है, इसको प्रेस करने से फैंटम पावर एक्टिवेट हो जाता है, जिसका मतलब है ये 48 वोल्ट फैंटम पावर इस पोर्ट से डिलीवर करेगा टू योर कंडेंसर माइक्रोफोन। अब ये नोट करने वाली बात है कि जो फैंटम पावर का रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ कंडेंसर माइक्रोफोन्स में होता है, डायनेमिक माइक्रोफोन्स में आपको फैंटम पावर की कोई ज़रूरत नहीं होता। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, मान लीजिए, मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपने एक डायनेमिक माइक्रोफोन को कनेक्ट करके रखा है थ्रू ए XLR कनेक्टर, और आपने गलती से आपका जो फैंटम पावर है ये टर्न्ड ऑन है या फिर आपने ऑन कर दिया है, तो ये डायनेमिक माइक्रोफोन की जो कैप्सूल है उसको 48 वोल्ट डिलीवर करेगा, और ऑन दैट केस वो माइक्रोफोन ख़राब भी हो सकता है। मैं गारंटी नहीं दे सकता, तो इसलिए ऑलवेज कीप इन माइंड, इस बटन को आपको ऑफ रखना है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक स्टेटस LED जो कि फैंटम पावर ऑन है या ऑफ है उसको इंडिकेट करने के लिए दिया गया है। और उसी के साथ नीचे आपको एक गेन बटन मिलता है, मतलब माइक्रोफोन से सबसे पहले जो सिग्नल यहाँ पर इनपुट हो रहा है उस सिग्नल को बूस्ट करने के लिए ये गेन नॉब है। तो इस गेन नॉब को आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, अगर माइक्रोफोन का वॉल्यूम आपको लग रहा है कि थोड़ा कम है, गेन नॉब को पार करने के बाद जो सिग्नल है
वो नीचे आएगा इक्विलाइजेशन में। अब एक इक्विलाइजर का काम तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, हाई और लो। हाई है जो कि ट्रेबल है, मतलब जो हाई फ्रिक्वेंसी है उसको बूस्ट करने के लिए, और जो लो है वो बेस, मतलब जो लो फ्रिक्वेंसी है उसको बूस्ट या फिर डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर आपको नॉब देखने को मिलता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने माइक्रोफोन में जो ट्रेबल है और बेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इक्विलाइजेशन पार करने के बाद जो सिग्नल है वो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बटन है जिसके पास लिखा है इफेक्ट्स, मतलब ये इफेक्ट बटन है। इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो जो सिग्नल है वहाँ पर इफेक्ट लगेगा। अब आप जानते हैं कि स्पेशली सिंगिंग करने के टाइम पे वॉइस में जो ड्राई सिग्नल है उस सिग्नल में इफेक्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सिग्नल में इफेक्ट लग जाएगा, मतलब आपके वॉइस में इफेक्ट लग जाएगा, डिले, रिवर्ब, रिपीट, वो वाला इफेक्ट। अब ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं इन दोनों बटन से, जैसे कि आप देख सकते हैं डिले एंड रिपीट। यहाँ पर अगर आप डिले को इंक्रीज करेंगे या फिर रिपीट को भी इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसके हिसाब से जो इफेक्ट्स है वो यहाँ पर इस सिग्नल पे, मतलब इस चैनल वन में लग जाएगा अगर ये बटन आप प्रेस करते हैं। और अगर आप इस बटन को जो है ऑफ कर देंगे तो आपका सिग्नल ड्राई रहेगा, वॉइस में कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। उसी के साथ साथ नीचे जो एलईडी देखने को मिलता है ये पीक एलईडी है, मतलब ये डिनोट करता है कि आपका जो सिग्नल है वो क्लिप हो रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ का एक लिमिट होता है, वैसे ही जो ऑडियो सिग्नल है उसका भी एक सर्टेन लिमिट है। उस लिमिट के पार अगर वो सिग्नल चला जाएगा तो वो सिग्नल प्रोसेस नहीं हो पाएगा और सिग्नल में डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा, नॉइस क्रिएट होगा। तो वो जो सिग्नल है आपका वो सर्टेन डेसिबल, जीरो डेसिबल तक रहना चाहिए। जीरो डेसिबल के ऊपर जाएगा तो सिग्नल क्लिप करेगा, और सिग्नल जब क्लिप करेगा तो ये एलईडी जो पीक एलईडी है वो ग्लो होगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपका सिग्नल क्लिप हो रहा है, तब आपको यहाँ से जो वॉल्यूम है इसको कम करना पड़ेगा या फिर जो माइक्रोफोन की गेन है उसको कम करना पड़ेगा ताकि आपका सिग्नल जो है डिस्टॉर्ट ना हो, डिग्रेड ना हो। अब जब सिग्नल नीचे आता है तो फाइनली यहाँ पर एक फेडर आपको देखने को मिलता है जो जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है वॉल्यूम। इससे आप जो टोटल सिग्नल है, सिग्नल में जो सारे प्रोसेसिंग है, जो प्रोसेस्ड सिग्नल है, वो फाइनली एक फेडर से गुजरता है जहाँ पर उस प्रोसेस्ड सिग्नल की वॉल्यूम को आप फाइनली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों बटन का काम का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि गेन जो है वो डायरेक्टली जो माइक्रोफोन से सिग्नल मिक्सर में घुस रहा है उस सिग्नल को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है, और वॉल्यूम नॉब जो है नीचे ये जो टोटल प्रोसेस्ड सिग्नल है उस सिग्नल की जो डेसिबल लेवल है या फिर एम्पलीफिकेशन है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है। वैसे ही जो चैनल टू है सारा चीज़ आपको सेम मिलता है, लेकिन नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर आपको फैंटम पावर नहीं मिलता, फैंटम पावर आपको सिर्फ चैनल वन में ही मिलता है। तो मेरे तरफ से एक टिप्स है कि मान लीजिए आपके पास एक डायनेमिक माइक्रोफोन है तो उसको आप इस पोर्ट में कनेक्ट कीजिए चैनल टू में, क्योंकि यहाँ पर कोई फैंटम पावर नहीं है तो एक्सीडेंटली फैंटम पावर आप ऑन भी नहीं कर पाएंगे और डायनेमिक माइक्रोफोन बिल्कुल सेफ रहेगा। उसके बाद जो चैनल 3 और 4 है, ये वाला जो चैनल है ये थोड़ा मल्टीफंक्शन चैनल है। यहाँ पर आप सेवरल चीज़ें एक साथ कर सकते हैं एक ही चैनल में। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चैनल 3 है ये बेसिकली चैनल 3 है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कुछ सेवरल रिकॉर्डिंग डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक अगर आपके पास कोई कीबोर्ड है या फिर तबला है, इलेक्ट्रॉनिक गिटार है, ये सारे चीज़ जो है आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ऊपर जो है 2 RCA कनेक्टर दिया गया है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आप जो है यहाँ पर थ्रू RCA केबल आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, और नीचे आपको एक TRS या TS पोर्ट मिलता है जिसके थ्रू आप यहाँ पर एक और इंस्ट्रूमेंट को भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको वही सेम चीज़ मिलेगा, गेन, सिग्नल की जो गेन है उसको कम ज़्यादा करने के लिए। फिर यहाँ पर इक्विलाइजेशन मिलता है, हाई और लो, मतलब ट्रेबल एंड बेस को कंट्रोल करने के लिए। और नीचे वाला जो बटन है ये वाला इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर कोई इफेक्ट बटन नहीं मिलता, ये चैनल स्विच करने के लिए। इस बटन को अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चैनल 4 को सिलेक्ट करके रखेगा, मतलब चैनल 4 से ये इनपुट लेगा। फिर यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है उससे सिग्नल ये यहाँ पर नहीं लेगा,
तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो पोर्ट्स है इसको यूटिलाइज करने के लिए, तो आपको इस स्विच को ऑफ रखना पड़ेगा, तब जाके ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो कनेक्टेड है यहाँ पर, इसके सिग्नल ये रिसीव करके इस बस में यानी इस चैनल में सेंड करेगा। नीचे आपको पी एलईडी मिलता है और जो चैनल 3x4 है उसकी वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर नॉब मिल जाता है। अब जो चैनल 4 है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, जो राइट साइड यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सेक्शन है यहाँ पर आपको चैनल 4 मिल जाता है। यहाँ पर आप कोई भी USB पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर पेन ड्राइव में कोई भी गाना है तो उसको डायरेक्टली यहाँ से प्ले कर सकते हैं। और ये जो 3x4 स्विचिंग बटन है, इस बटन को अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो डायरेक्टली ये जो USB इंटरफेस वाला जो ऑडियो है, मतलब पेन ड्राइव में जो भी सॉन्ग चल रहा है, उसका सिग्नल डायरेक्टली इस बस में जाएगा और यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर आप पेन ड्राइव से जो है कोई भी गाना चला सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी मिलता है। ब्लूटूथ को टर्न ऑन करके आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मोबाइल में कोई भी कैरियोके सॉन्ग जो है, तो वो सॉन्ग भी इस चैनल में आएगा, चैनल 3x4 में, तब ये 4 चैनल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ से जो है आउटपुट निकलेगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकल इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या फिर कैरियोके है, कैरियोके का मतलब आप जानते ही हैं कि जो सॉन्ग्स है उसमें जो वोकल्स है उसको रिमूव करने के बाद जो म्यूज़िक बचा रहता है वही है कैरियोके। अब कैरियोके म्यूज़िक तो रेडीमेड म्यूज़िक है, मतलब वहाँ पर ऑलरेडी इफ़ेक्ट्स लगा है, तो इसीलिए आपको अलग से डीले रिवर्ब ये सब इफ़ेक्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये जो सेक्शन है, ये जो चैनल है, इस चैनल में इफ़ेक्ट्स बटन नहीं दिया गया है। ये स्विचिंग बटन है जो कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाता है इस जो मिक्सर है, इस मिक्सर को। और यहाँ से जो प्लेबैक होगा म्यूज़िक, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको 4 बटन मिलता है, मल्टीफंक्शन बटन है ये। जैसे कि इस बटन को अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूज़िक प्ले एंड पॉज होगा, और अगर आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो म्यूज़िक रिकॉर्डिंग मोड में चला जाएगा। मतलब मान लीजिए आप मिक्सर में जो है कोई भी गाना गा रहे हैं या फिर कोई भी ऑडियो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसका जो ऑडियो है, जो आउटपुट निकल रहा है, वो ऑडियो डायरेक्टली यहाँ पर जो USB, इसके लिए आपको USB पेन ड्राइव कनेक्ट करना पड़ेगा, तो जो USB पेन ड्राइव में वो ऑडियो फाइल के हिसाब से स्टोर होगा, जो कि काफ़ी एक प्रोफेशनल एंड प्रो लेवल का चीज़ है, जो कि आपको सब जो है बजट मिक्सर में नहीं मिलता। तो एक डिजिटल मिक्सर भी है, हम बोल सकते हैं ये जो पैनल है ये पूरा डिजिटल पैनल है, क्योंकि आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी भी मिल जाता है कि अगर आप अपने म्यूज़िक को पेन ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये वाला बटन से आप जो सॉन्ग है उसको चेंज कर सकते हैं। प्रीवियस लॉन्ग प्रेस करने से जो म्यूज़िक का वॉल्यूम है वो कम होगा, और ये वाला बटन जो है नेक्स्ट ट्रैक करने के लिए, और इसके साथ लॉन्ग प्रेस करने से जो सॉन्ग है या फिर म्यूज़िक है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। और ये मोड बटन है, इससे प्रेस करके आप USB, PC या फिर ब्लूटूथ इंटरफेस में स्विच कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्ले पॉज रिकॉर्डिंग सारा फंक्शंस है, ये बेसिकली ब्लूटूथ, USB, PC सब में काम करता है। अगर ब्लूटूथ से म्यूज़िक प्ले हो रहा है, ऐसे जैसे कि ब्लूटूथ हेडफोन्स में दिया जाता है, प्रीवियस, नेक्स्ट या फिर प्ले पॉज, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज की जो बटन दिया जाता है, वो सारे बटन्स यहाँ पर भी दिया गया है। और साइड में आप देख सकते हैं जो 2 फोन है, यहाँ से आप अपने फ़ोन को या फिर कंप्यूटर को कनेक्ट करके जो है उसमें भी अलग से रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका पोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है। और नीचे आपको यहाँ पर जो सिग्नल है उसका डेसिबल मीटर मिल जाता है स्टीरियो में, मतलब 2 चैनल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जहाँ पर रेड लाइट इंडिकेट करता है तो उसका मतलब आपका सिग्नल क्लिप हो रहा है, आपको यहाँ पर वॉल्यूम कम ज़्यादा करना पड़ेगा मेन से और जो मॉनिटर है उससे। और जो ग्रीन लाइट है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो सिग्नल है वो हेल्दी हेडरूम के अंदर है, मतलब -6 dB से -12 dB के अंदर है, जो कि एक हेल्दी सिग्नल माना जाता है, साउंड सिग्नल। और जब आप इस डिवाइस को पावर ऑन करेंगे तो ये पावर LED ग्लो होगा। नीचे आपको एक हेडफोन का पोर्ट मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर आपने स्पीकर कनेक्ट करके रखा है मेन आउट से, तो स्पीकर में गाना बज रहा है, कैरियोके आपने ब्लूटूथ के थ्रू प्ले किया है, और यहाँ पर आपने एक माइक्रोफोन कनेक्ट करके रखा है, सिंगिंग कर रहे हैं, स्पीकर में गाना बज रहा है आपका, लेकिन आप चाहते हैं उसको सेपरेटली मॉनिटर करना हेडफोन के थ्रू, तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर कोई भी 3.5 mm जैक वाला स्पीकर, होम थिएटर, ब्लूटूथ स्पीकर भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, और उस वो जो मॉनिटरिंग डिवाइस है या फिर वो जो स्पीकर है उसका सेपरेट वॉल्यूम यहाँ पर दिया गया है, उसको आप अलग से, उसका जो मॉनिटर वॉल्यूम है उसको आप अलग से यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब ये जो मेन आउटपुट सिग्नल है
वहाँ से ये एक लूपिंग करके यहाँ पर एक सिग्नल दिया गया है। और उसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपके पास फ़िलहाल के लिए कोई भी डायनामिक या फिर कंडेंसर माइक्रोफोन नहीं है, आपके पास कोई भी कॉलर माइक्रोफोन है, लेपल माइक्रोफोन है, या फिर कोई भी 3.5 mm जैक वाला जो माइक्रोफोन्स बाज़ार में मिलता है 100-200 में, वो वाला माइक्रोफोन आपके पास है, तो वो भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं चैनल वन में। यहाँ से 3.5 mm जो है जैक है यहाँ पर दिया गया है माइक्रोफोन के लिए, उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये था दोस्तों इस जो टोटल ऑडियो मिक्सर है इसका कंप्लीट थ्योरी, मतलब आपको अब पता चल गया होगा कि ये सारे बटन्स, पोर्ट्स, नॉब्स का फंक्शन क्या है, कैसे आप इस मिक्सर को यूज़ कर सकते हैं। अब जो प्रैक्टिकल है, मतलब एक माइक्रोफोन स्पीकर को कनेक्ट करके, हेडफोन मॉनिटर करके, मैं सब कुछ जो है आपको दिखाऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो है। वहाँ पर मैंने एक माइक्रोफोन भी ऑर्डर किया है, डायनामिक माइक्रोफोन, गेस कीजिए, एक बहुत ही चीप बजट में, कम रेंज में आने वाला सबसे पॉपुलर माइक्रोफोन मैंने ऑर्डर कर लिया है, जिसके साथ माइक्रोफोन जो XLR टू TS केबल है वो भी मिलता है। आप गेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा माइक्रोफोन है वो जिसके साथ मैं इस मिक्सर को टेस्ट करूँगा। और यहाँ पर स्पीकर में भी स्पीकर कनेक्ट करके सब कुछ जो है नॉब्स वगैरह एडजस्ट करके, इक्विलाइजर इफेक्ट्स वगैरह एडजस्ट करके मैं गा के भी दिखाऊंगा। वैसे एक मेरा एक अलग से सिंगिंग चैनल है जहाँ पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा दोस्तों, या फिर आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। आप चाहे तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर अभी तक कोई भी इस मिक्सर से जो है सॉन्ग्स अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि उस चैनल में जो अपकमिंग सॉन्ग्स मैं अपलोड करने वाला हूँ वो सारे इस मिक्सर से ही होगा, क्योंकि इस मिक्सर को मैंने स्पेसिफिकली सिंगिंग के लिए ही लिया है, क्योंकि इस मिक्सर को स्पेसिफिकली मैंने सिंगिंग के लिए ही लिया है। अब दोस्तों हम एक कॉमन क्वेश्चन में आते हैं रिगार्डिंग दिस मिक्सर या फिर कोई भी साउंड मिक्सर, ऑडियो मिक्सर, जो कि ज़्यादातर लोगों में ये एक मिसकंसेप्शन या फिर कंसर्न रहता है कि मिक्सर से नॉइज़ निकलता है, या फिर इस मिक्सर से या फिर कोई भी मिक्सर से जो है नॉइज़ निकलता है, उसका आउटपुट अच्छा नहीं होता। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, स्पेसिफिकली मैं इस मिक्सर के बारे में बता देता हूँ, मिक्सर से कोई भी नॉइज़ नहीं निकलता। ये एक हाई क्वालिटी मिक्सर है, मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, कोई भी नॉइज़ नहीं निकलता। आपको सही से जानना पड़ेगा कि नॉइज़ क्यों निकल रहा है। अगर आप एक ठीक ठाक माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, लाइक अंडर 500 रुपीज़ या फिर 250 रुपीज़ का भी माइक्रोफोन, उसमें नॉइज़ नहीं होता नॉर्मली, और जो मिक्सर डिवाइस है इसमें भी नॉइज़ नहीं होता। नॉइज़ क्रिएट होता है केबल के कारण, केबल में जो EMI इंड्यूस्ड होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्रिएट होता है लो क्वालिटी, चीप क्वालिटी केबल्स में, उसके कारण जो है आपको नॉइज़ देखने को मिलता है। मान लीजिए आपने एक अच्छा सा मिक्सर खरीद लिया है, उसके साथ एक अच्छा सा माइक्रोफोन भी खरीदा है, लेकिन जो केबल से आप माइक्रोफोन को मिक्सर से कनेक्ट कर रहे हैं वो केबल एक चीप क्वालिटी का लोकल ग्रेड का केबल है, जहाँ पर जो है इंसुलेशन अच्छा नहीं है और वो अनबैलेंस्ड केबल है, बैलेंस्ड केबल नहीं है, तो ऑन दैट केस आपको नॉइज़ देखने को मिलेगा रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द यू नो योर कैरियोके सिस्टम, मिक्सर या फिर माइक्रोफोन डिवाइस। इसीलिए आपको एक परफेक्ट केबल चूज़ करना ज़रूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में 2 या 3 केबल मैं आपको दे दूंगा जो कि अंडर 500 या फिर 400 रुपीज़ के अंदर बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है, आप जाके उस केबल को चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, EMF। उस मैग्नेटिक क्षेत्र या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर दूसरा कोई भी कंडक्टर आ जाता है और उस कंडक्टर के अंदर से सिग्नल जा रहा है, फ्लो हो रहा है, तो ऑन दैट केस उस मैग्नेटिक क्षेत्र के कारण या फिर मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहाँ पर जो है उस कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली नॉइस को क्रिएट करता है। तो इसीलिए आपको एक अच्छा शील्डिंग वाला XLR केबल खरीदना होगा, और अगर XLR टू XLR होगा तो वो बैलेंस्ड केबल होगा, तो वो और भी अच्छा है। इसीलिए दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जो सारे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स है, लाइक माइक्रोफोन, मिक्सर्स, जो सारे प्रोफेशनल्स है वो XLR केबल को यूज़ करते हैं, क्योंकि XLR केबल नॉइज़ फ्री होता है, उसमें कोई भी नॉइज़ नहीं होता, क्योंकि उस केबल का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो नेचुरली नॉइज़ को कैंसिल कर देगा। तो ये XLR में जो बैलेंस्ड केबल है, शील्डिंग है, ये केबल्स दूसरे केबल से कैसे डिफरेंट होता है और इस केबल ये कैसे काम करता है,
इसके बारे में मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्दी, ताकि आपका जो कंसेप्शन है वो क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, और अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। और वीडियो को दोस्तों अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मिक्सर है इसका बेस्ट बाइंग लिंक दोस्तों मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। इस मिक्सर के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस जो है मैं चैनल में अपलोड करने वाला हूँ, माइक्रोफोन्स सिंगिंग सारे चीज़ के रिगार्डिंग जो है बहुत सारे वीडियोज़ जो है आने वाला है चैनल में, तो उसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।